हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। कैसा आप सब, होप सो आप सब बढ़िया हो, और आपको बढ़िया होना भी जरूरी है। तो आज इस कोरोना काल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने आए हैं हम। क्या करने आए हैं हम? लगवाने आए हैं वैक्सीन। मेरे पापा की दूसरी वैक्सीन लगेगी, यानी कि लास्ट डोज, मम्मी की पहली और मेरी पहली। और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है, कैसे है, बुखार उखार आएगा या बुखार उखार नहीं आएगा। लेट्स सी, गवर्नमेंट स्कूल में लग रही है वैक्सीन। अभी तो भीड़ भीड़ तो दिख नहीं रही यार ऐसी कुछ खास, बट जुगाड़ से हमने स्लॉट बुक करवाए अपने, तो स्लॉट बुक हो ही नहीं रहे। छोटे लॉन्डो के हम जैसे 18-19 साल के लॉन्डो के तो स्लॉट बुक हो ही नहीं रहे, बट अब करके देखते हैं, लग जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जुगाड़ लगाएंगे हिंदुस्तानी आदमी। दिल मेरा ये जो शायद वार्ड है, शायद ये एग्जामिन वार्ड है। यहाँ पे एग्जाम करेंगे, जैसे वैक्सीन लगने के बाद 15-20 मिनट बैठ जाओ, काफ़ी सिस्टमेटिकली बैठे हुए लोग हैं। और मम्मी कैसा लग रहा है तुम्हें आज वैक्सीन लगवाने जा रही हो? मुझे तो इंजेक्शन का डर लगता है, तुम्हें लगता है? भाई यही वाली लाइन है अपनी, इस वाली लाइन में, मतलब जो एक एक करके कमरे के अंदर जाते रहेंगे और अपना सूर्य थकवा कर आते रहेंगे। तो बैठे बता रहे हैं भाई, सब लोग बैठ चुके हैं वैक्सीन लगवाने। मेरे को तो भाई डर लगता है सुबह सुबह से पहले बताऊँ, मेरी तो आदत ख़राब होती है। अब पता नहीं ये रिकॉर्ड करने ना दे, करने दे, रिकॉर्ड करने दे तो दिखा देंगे रिएक्शन, नहीं तो चीखे छूखे सुन लेना तुम। तो भाई वैक्सीन तो अपने लग गई है, बहुत अच्छी देसी वैक्सीन लगी। और मम्मी कैसा लग रहा है तुम्हें वैक्सीन लगवा के? दर्द हुआ भाई? एकदम से वैक्सीन मार दिया है ना, कुछ देखा भी नहीं, नर्स कहाँ है कुछ नहीं। तो क्या भरी थी तुम्हारे सामने? क्या पता दवाई में पानी हो? नहीं यार ऐसा नहीं है, वैक्सीन तो लग रही। देखो बुखार आया तो आज वैक्सीन लगी, मतलब बुखार नहीं आया तब भी लगी है भाई। नेगेटिव क्यों होना, अभी जो पॉजिटिव रहो चाहिए लेगी भाई अपने को। अभी पहली लग गई है, अब 84 दिन यानी 84 डेज बाद उन्होंने बोला कि सेकेंड वैक्सीन लगेगी अपने को, तो 84 डेज का वेट करते गाइस। पहली तो लगेगी ना, पहली ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत ज़रूरी है, अब ख़त्म तो हो ही जाती है, नहीं तो ख़त्म भी करना पड़ता है, ख़त्म भी हो ही जाती है। अब मैं शूट तो कर नहीं पाया वैक्सीन की डोज, क्योंकि कोई था ही नहीं, मम्मी अलग कमरे में लगवाई, मैं अलग में, तो तुम बोलोगे कि लगवाई नहीं है ना, मुझे पता। तो अभी दिखा तो मैंने लगवाई है, सबूत है मेरे पास बराबर, मैं पंचर करवाया है तो सबूत भी होना चाहिए। सबूत दिखाते हैं, ये देखो ये रहा अपना सबूत, जिसमें वैक्सीन लगवाई है, दिल्ली गवर्नमेंट की पर्ची है ये, ये देख लो, वैक्सीनेशन कोविशील्ड टोकन, ये अपना वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रांश रावत नाम देख लो, अब एक तो हाथ हाथ में कुछ दर्द हुआ नहीं मेरे, मैं तो ट्राई कर दिया तो अभी तक तो हाथ हाथ में कुछ दर्द हो नहीं रहा। तो बता दें आपके ब्लॉग में क्या दिक्कत है, लोग तो बन ही रहा, तुम देख लेना कौन बुखार में पड़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मैं पड़ जाऊँगा बुखार में, क्योंकि कोविशील्ड है, कोविशील्ड से बुखार आता है। मेरे बच्चे शाम के साथ और हाथ में हो रहा है दर्द वैक्सीन लगवाने के बाद, बहुत सारा मतलब ठीक है, थोड़ा सा हाथ टाइट टाइट सा लग रहा है। और अभी मैं कर रहा हूँ ब्लॉग, पिछला वाला मतलब इससे पहले जो आपने ब्लॉग देखा होगा उनका वाला ब्लॉग था, हमारे मैकबुक प्रो वाला ब्लॉग, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। और अगर बुखार आता है तो मैं आपको बताऊँगा, बाकी मम्मी को तो भी थोड़ा थोड़ा सा हाथ में दर्द है, पापा को भी हल्का हल्का हाथ में दर्द है, बुखार अभी किसी को भी नहीं आया। तो लेट्स सी बुखार आता है या नहीं आता, और आता है तो कैसा आता है और कितना आता है। ओके तो देख रहे हो भाई, रात तक तो लग रहा था कि बुखार वुखार कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि 10 घंटे के अंदर अंदर आ जाता, और मुझे हो गए थे 14-15 घंटे। रात में जब सोने लगा भाई, क्या बुखार आया भाई, आंखों से पानी वानी छूट रहा, बिल्कुल हालत हो गई ख़राब, कुछ करा नहीं जा रहा, कमर दर्द ऐसा हो रहा भाई, तोड़ रहा बॉडी को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना मम्मी को बुखार नहीं आया, मैंने पूछ लिया अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और बुखार की वजह से मैं उठा हूँ। ये देखो कपड़ा करोसिन खाई है मैंने भी, इसको उतरा थोड़ा बहुत, तो मम्मी से मैंने पूछ लिया मम्मी को नहीं आया। पापा को हल्का फुल्का दर्द है शरीर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा को आ गया था बुखार, क्योंकि जब पापा ने पहली बार लगवाई थी वैक्सीन तो बहुत ज़बरदस्त बुखार आया था, और मुझे लग रहा था कि पापा को आया तो मुझे भी आएगा, क्योंकि अपन गए पापा को बिल्कुल सेम टू सेम, हाल खराब है बहुत ज़्यादा, फन्ने खा सारे फन्ने खाई निकल गई, शरीर में बड़ा दर्द जबरदस्त। चलो देखो
कितने दिन में उतरेगा बुखार, वैसे दो दिन में उतर जाना चाहिए। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो मॉर्निंग तो नहीं आ गया, शाम के 5 बजे तो कल जॉब में मैं देखा इससे पहले उसमें भाई बुखार तो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कोसिन वोसिन खाई, दो डोज रखी, पर सुबह 5 बजे उठा, फिर मैं 7-8 बजे उठा, बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गया था। मतलब भाई ऐसा लगता शरीर ख़त्म टूट गया। अभी भी मेरे लोअर बैक में पेन है और हाथ काफ़ी ज़्यादा भारी गया है। ये 3rd डे वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन लगे हुए 3rd दिन हो चुका, मेरे को बुखार नहीं आ रहा है। आई एम परफेक्टली फाइन, बट यार मैं वेट्स नहीं उठा सकता, जिम नहीं जा सकता हूँ और भी चीज़ें जो नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा इफेक्ट है। बट हाँ चलो, अपनी सेहत के लिए तो सही है कि जो बड़ी चीज़ है वायरस, इससे तो बच ही जाऊँगा एटलीस्ट। तो यही है अभी तो फिलहाल तक, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तक तो मुझे कोई बुखार नहीं आया दोबारा, आई एम फाइन। मेरे को 2 बार बुखार है और 2 बार में हाथ खराब कर दी बट उसने। ओके, अब आगे कुछ होता तो मैं आपको बताता हूँ, बट अब नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगा ना, अब बुखार नहीं आएगा। और इस ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ। एंड लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। और अभी अपन ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट इन फाइन, बस हाथ में थोड़ा सा पेन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी मैंने देख ही लिया आपने भाई, बुखार 102-103 था मेरे को कल रात में, हालत ख़राब हो रही थी। मम्मी पापा को कोई बुखार नहीं, पापा को पहले फर्स्ट टाइम हो गया था बुखार। मम्मी की बॉडी में एंटीबॉडीज थी पहले से, जहाँ तक मम्मी लग रहा है कि क्या रीज़न से बुखार नहीं आया और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी। मेरे को आज से पहले कोरोना कभी भी नहीं हुआ, कभी मेरे को इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। मम्मी को हो चुका है, 2 बार हो चुका है बल्कि। तो गाइस, मम्मी को तो कोरोना पहले हो चुका था, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, बट माइल्ड कोरोना हुआ था बहुत, बट हुआ था। तो इस वजह से मुझे लगता है उनकी बॉडी में शायद एंटीबॉडीज हों और उन्हें कुछ ज़्यादा बुखार ना आया हो, ये एक रीज़न हो सकता है। बट जो भी अच्छा हो, मैं बुखार नहीं हूँ तो तुम्हें पता कि एक बार मेरे को आ जाएगा बुखार, कोई दिक्कत नहीं। पापा को आ जाएगा बुखार, कोई दिक्कत नहीं। मम्मियों को जब बुखार आता है तो वही पूरा घर रुक सा जाता है, क्योंकि फिर आप बहुत जगह से अटकते। तो लाइक एक वुमेन जो होती है ना, वो पूरा घर को चलाने वाली वही होती है। मतलब इंटरनली देखा जाता है, मैन तो जाके चलो कमाता, आजकल तो वुमेन भी कमाती है वैसे, मैन तो जाके कमाता है, बट वुमेन पूरे घर को देखती है, चलाती है, चाहे वो कमाती हो या ना कमाती हो। अगर वर्किंग भी तब भी वो घर को देखती है, वर्किंग नहीं है तब भी वो घर को देखती है। तो मेरी मम्मी तो सेमी वर्किंग है, मतलब वो एक NGO में काम करती हैं, सेमी वर्किंग है उसको, तो मतलब काफ़ी सही रहता मामला। तो ठीक है, एक नई बीमार पड़ी अच्छी बात है, पापा भी बीमार नहीं पड़े, मैं हालत ख़राब हो गई 102-103 बुखार। तो चलो जो भी अच्छा हुआ, वैक्सीन तो लगी पहले डोज, अब 84 डेज़ बाद देखा जाएगा दूसरी बार बुखार आएगा नहीं आएगा। होप्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ब्लॉग्स देखो लो, रिलेटेड आ रहे, क्योंकि जो ये इससे पहले वाला ब्लॉग जो आया था उसको आने में 4-5 दिन लगे, क्योंकि जो मैं सॉफ्टवेयर वो सीख रहा था ना, वो सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वो प्रीमियर प्रो से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैंने प्रीमियर को तो बहुत एडिटिंग करी है, बट फाइनल कट प्रो पे एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और उसको डाउनलोड करने में, क्योंकि मैंने तो ख़रीदा तो है नहीं, वो थोड़ा सा इंडियन है यार, 24-27 हज़ार रुपये वाले कौन लगाएगा। तो बड़े जुगाड़ से वो सॉफ्टवेयर मैंने लिया है, करवाया है, ट्रायल कर करके उसमें है, मतलब 90 डेज़ का ट्रायल उन्होंने फ्री दे रखा है, तो उसमें कुछ हैक सा लग जाता है तो चलते रहेगा, मतलब 90 डेज़ बाद फिर आप वो उसमें कोड डाल दो तो फिर वो चल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दिखा दूंगा। और मैंने प्रीमियर प्रो वो सब उसमें हैक करके डाउनलोड कर लिया है, पर टाइम लगा उसी चीज़ में, और मेरे को फाइनल कट प्रो सीखने में टाइम लग गया, तो सीख के मैंने डाल दिया पिछले वाली वीडियो बताना कैसी, और ये वाली वीडियो एडिट हुई ये वाली बताना कैसी है। अभी तो बेसिक एडिटिंग सीख रहा हूँ, उसमें थोड़ी हाई वाली सीखूंगा, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा बट सीख जाऊँगा। तो आपके ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोबारा से यूट्यूब पर अपना बेस बनाया जाए और पैर रखा जाए यूट्यूब पर दोबारा ढंग से। तो प्लीज़ लाइक कर दो और बाय बाय। आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ ना।